नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा की जीरो रिलीज हो चुकी है। जीरो को लेकर फैंस ने अलग अलग तरह के रिएक्शन दिए हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि शाहरुख खान की जीरो में कटरीना कैफ की असल जिंदगी का दर्द दिखाई दे रहा है। रणबीर कपूर से ब्रेकअप की दास्तां को देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि कटरीना कैफ का किरदार काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, जिसे कटरीना ने बखूबी निभाया है। बताया ये भी जा रहा है कि इस फिल्म में कटरीना के किरदार के जरिए दिखाया गया है कि एक फिल्म अभिनेत्री कैसे अपनी जिंदगी की मुश्किलों के बीच अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करती है। आनंद की इस फिल्म में एक मोड़ ऐसा भी आएगा जब कटरीना का किरदार ब्रेकअप के दर्द से गुजरेगा। और आपको बता दें कि ब्रेकअप वाले सीक्वेंस को आनंद एल राय ने इस फिल्म में बखूबी फिल्माया है। इस सीन को देखकर आपको कटरीना और रणबीर के ब्रेकअप की याद आ जाएगी और इस गाने की झलक बदनाम गाने में भी दिखाई देती है। गाने में दिखाया गया है कि ब्रेकअप के बाद कटरीना का कैसे दिल टूट गया है। सभी जानते हैं कि एक वक्त था कटरीना कैफ रणबीर कपूर को डेट कर रही थी, लेकिन अचानक दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद कटरीना बुरी तरह टूट गई थी। उसी सीक्वेंस को इस फिल्म में भी फिल्माया गया है। जाहिर तौर पर कटरीना कैफ ने इस किरदार के साथ न्याय किया है, क्योंकि किरदार काफी हद तक उनकी असल जिंदगी से मिलता जुलता है। बात अगर जीरो की करें तो जीरो 190 करोड़ के बजट से बनाई गई है। इसी के साथ इसे 5000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। माना जा रहा है कि फिल्म पहले दिन 25 करोड़ के आसपास कमाई कर सकती है। खैर, देखना तो ये होगा कि फिल्म पहले दिन कितनी कमाई करती है और फैंस कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा और शाहरुख की फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। वैसे आपको बता दें कि लंबे समय बाद ये तिकड़ी एक साथ नजर आई है। इससे पहले ये जब तक है जान में नजर आई थी। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।